अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ राइटिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस टू द करस्पोंडिंग ट्रांजिशन ग्राफ। रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पोंडिंग टू ट्रांजिशन ग्राफ एक्सेप्टिंग इवन लैंग्वेज क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 मेथड 1 यूनियन ऑफ एफेस। एग्जांपल ऑफ एफेस करस्पोंडिंग टू सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल ऑफ क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 मेथड 1 कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टीजी। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ दी हुई है टू हैव अ। अब जैसा कि हमने क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो इनिशियल दी हुई होती है, इनिशियल स्टेट जो हमारे पास होती है, एक जो पुराने वाली स्टेट होती है और हम वहाँ पर एक नई इनिशियल स्टेट बनाते हैं और पुराने वाली स्टेट को नई वाली इनिशियल स्टेट के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं और हम यहाँ पर ट्रांजिशन एज के थ्रू नल को एग्जीक्यूट करवाते हैं। दूसरा हमने ये स्टेप 2 में हमने ये देखा था कि अगर वहाँ पर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अगर हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं तो हम क्या करते हैं कि एक न्यू फाइनल स्टेट बनाते हैं और पुरानी वाली फाइनल स्टेट्स को न्यू वाली फाइनल स्टेट के साथ हम कनेक्ट करवा देंगे और उसको जो ट्रांजिशन एज है उसके ऊपर हम नल एग्जीक्यूट करवा देंगे। अब जैसा कि यहाँ पर हमारे पास जो पुरानी वाली ट्रांजिशन ग्राफ है उसमें देखें 1 और यहाँ पर 2, दो जो है इनिशियल स्टेट्स हमने बनाई हुई हैं। तो हमने क्या किया, एक इनिशियल स्टेट एक बना ली है, उसको 1 के साथ भी कनेक्ट कर दिया, उसको 2 के साथ भी कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर देखें ट्रांजिशन एज के थ्रू जो है वो नल को एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है, यहाँ भी नल को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। फाइनल स्टेट में देखें यहाँ पर हमारे पास जो है 3 भी फाइनल स्टेट थी, 4 भी फाइनल स्टेट थी, अब एक फ़ाइनल स्टेट बनाई है उसको 3 के साथ और उसको 4 के साथ कनेक्ट करवा दिया और उसमें देखें ट्रांजिशन एज जो हमारे पास है उसको उसके ऊपर नल एग्जीक्यूट करवा दिया। टू ऑब्टेन सिंगल ट्रांजिशन एज बिटवीन 1 एंड 3, 2 एंड 4 द अबव कैन बी रिड्यूस्ड टू द फॉलोइंग। अब देखें यहाँ पर हमने एक स्टेप 3 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास इनकमिंग एजिस दो से ज़्यादा हों, यानी दो या दो से ज़्यादा हों तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल इनकमिंग एजिस को हम एक सिंगल ट्रांजिशन एज में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके ऊपर जो जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं उसके हम सेंटर में प्लस का साइन लगा देते हैं। अब देखें यहाँ पर 1 से 3 की जानब जो है वो दो ट्रांजिशन एजेस जा रहे हैं, एक के ऊपर हम मूव करवा रहे हैं बी और दूसरे के ऊपर हम मूव करवा रहे हैं डबल ए। तो देखें एक ही ट्रांजिशन एज हमने रख लिया बी प्लस डबल ए, ये देखें यहाँ पर हमने वो एग्जीक्यूट करवा दिया बी प्लस डबल ए और यहाँ भी देखें 4 की जान जो है 4 की जानब दो एजेस आ रहे हैं तो इसको भी इसके ऊपर भी हमने जो है ट्रांजिशन ए है और दूसरी हमारे पास है डबल बी। अब देखें ए प्लस डबल बी को यहाँ पर जो है मूव करवाया जा रहा है। स्टेप 3 में हमने ये डिस्कस किया था। अब यहाँ पर टू इलिमिनेट स्टेट्स 1, 2 एंड 3, 3 एंड 4 द अबव टी जी कैन और रिड्यूस द फॉलोइंग टी जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये देखा था कि एक जो हमारे पास स्टेप 4 था हमने वहाँ पर देखा था कि अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के दरमियान में जो हमारे पास मिडिल स्टेट्स होंगी उनको इलिमिनेट कर देना है। अब यहाँ पर जो हमारे पास मिडिल स्टेट्स हैं वो है 1, 2, 3 और 4, ये हमारे पास जो हैं मिडिल स्टेट्स हैं, हमने इनको रिमूव करना है। अब देखें जब इनको हमने रिमूव किया तो इसके ऊपर जो है वो नल एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके ऊपर बी प्लस डबल ए एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पर जो है नल बी प्लस डबल ए यहाँ पर जो है वो लूप लगाई हुई है तो इस वजह से बी स्टैटिक आ गया और ये नल आ गया तो उसके ऊपर नल लगा दिया हमने। अब नीचे वाला जो हमारे पास एच जा रहा है उसके ऊपर देखें नल आ गया ए प्लस डबल बी, यहाँ पर ए के ऊपर लूप लगाई हुई है, ए स्टैटिक आ गया और नल आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें ये जो है, अब चूंकि नल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती तो नल लिखना है आपने तो आप लिख भी सकते हैं, अगर आपने नल नहीं भी लिखना तो आपकी मर्ज़ी होगी। तो ये देखें ये भी हमारे पास जो है एक डायग्राम बन गई है, ये भी डायग्राम हमारे पास बन गई है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है।
to connect the initial state with the single with the final state by single transition at the above tg can be reduced to the following. अब देखें हमारी इनिशियल से फाइनल स्टेट की जानिब दो एजेस जा रहे हैं, एक एज ये है और एक एज ये है, तो हमने इसको क्या करना है मल्टीपल एजेस को एक सिंगल ट्रांजिशन एज में कन्वर्ट कर देना है. तो देखें यहाँ पर एक सिंगल ट्रांजिशन एज के थ्रू जो है इनिशियल स्टेट को फाइनल के स्टेट के साथ हमने कनेक्ट करवा दिया. जो ऊपर वाला जो हमारे पास ट्रांजिशन एज उसके ऊपर जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको यहाँ पर लिख दिया, सेंटर में प्लस का साइन लगा दिया. जो नीचे वाले ट्रांजिशन एज जो उसके ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हम कर रहे थे वो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया. हैंस द रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन इज बी प्लस डबल ए इंटू बी स्टेरिक प्लस ए प्लस डबल बी इंटू ए स्टेरिक. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, कंसिडर द फॉलोइंग टी जी एक्सेप्टिंग इवन इवन लैंग्वेज. यहाँ पर देखें हमारे पास वन जो है सिर्फ फाइनल स्टेट बताई हुई है, इनिशियल स्टेट यहाँ पर कोई नहीं बताई हुई. इट इज़ टू बी नोटेड दैट सिंस द इनिशियल स्टेट ऑफ दिस टी जी इज फाइनल एज वेल एंड देयर इज़ नो अदर फाइनल स्टेट्स. ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये जो स्टेट है यही हमारे पास इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है, इसके अलावा कोई हमारे पास फाइनल स्टेट नहीं है. सो टू ऑब्टेन अ टी जी विद सिंगल इनिशियल एंड सिंगल फाइनल स्टेट एंड इन एडिशनल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर इंट्रोड्यूस एज शोन इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन ग्राफ. यहाँ पर देखें हमारे पास जो है थ्री को जो है इनिशियल स्टेट कह दिया है और फोर को जो है वो फाइनल स्टेट कह दिया है. अब इसको जो है वो जो हमारे पास ओल्ड सॉरी यहाँ पर इनिशियल स्टेट दी हुई थी मैंने, वो मुझे वो नज़र नहीं आई. देखो यही हमारे पास इनिशियल स्टेट है, यही हमारे पास फाइनल स्टेट है. छोटा सा माइनस लगा हुआ है तो जो है वो थोड़ा डिम था. ये वन के अंदर जो है प्लस भी लगा हुआ है माइनस भी लगा हुआ है, तो यही हमारे पास इनिशियल स्टेट है, यही हमारे पास फाइनल स्टेट है. तो अगर हमारे पास वही इनिशियल वही फाइनल स्टेट आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि एक हमने इनिशियल स्टेट बना ली है, ये एक हमने फाइनल स्टेट बना ली है और उसको हमने वन के साथ कनेक्ट करवा दिया और इसके ऊपर देखें जो है वो नल एग्जीक्यूट करवा दिया. फ़िलहाल पहले स्टेप में ये वाला काम कर दिया और बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं की. जैसे कि हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल है वैसे कि हमारे पास न्यू एग्जांपल है, इस वाइज के कि हमने जो है इनिशियल स्टेट को और फाइनल स्टेट को अलग अलग कर दिया है और उसको जो है इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ कनेक्ट करवा दिया और उसके ऊपर जो है नल एग्जीक्यूट करवा दिया. टू एलिमिनेट स्टेट टू द अबव टी जी मे बी रिड्यूस टू द फॉलोइंग. अब टू को एलिमिनेट करने के लिए देखें यहाँ पर इस टू को एलिमिनेट करने के लिए ये किया कि जो हमारे पास लूप लगा दी है उसके ऊपर ए बी प्लस बी ए इंटू डबल ए प्लस बी स्टेरिक. जो हमारे पास लूप लगी हुई है डबल ए प्लस बी होल स्टेरिक इंटू ए बी, ये वाला जो हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए बी प्लस बी ए. टू हैव सिंगल लूप एट स्टेट वन द अबव टी जी मे बी रिड्यूस टू द फॉलोइंग. अब यहाँ पर जो है इस सिंगल स्टेट, क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास मल्टीपल ट्रांजिशन एजेस आ रहे हैं, यहाँ भी लूप लगाई हुई है यहाँ भी लूप लगाई हुई है. अब इसको एक ही ट्रांजिशन एज के ऊपर सारा रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देंगे, ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा. हम इसके सेंटर में देखें प्लस का साइन लगाया और पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया. टू एलिमिनेट स्टेट वन द अबव टी जी मे बी रिड्यूस टू द फॉलोइंग. अब देखें जो हमारे पास वन जो आ रही है वो मिडल स्टेट आ रही है. अब इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, थ्री को फोर के साथ हमने कनेक्ट करवा दिया और जो पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन है वो इसके ऊपर एग्जीक्यूट करवा दिया. हेंस द रिक्वायर्ड आर ई इज डबल ए प्लस डबल बी प्लस ए बी प्लस बी ए इंटू डबल ए प्लस बी बी होल स्टेरिक इंटू ए बी प्लस बी ए होल स्टेरिक. If the language can be expressed by a regular expression, then there exists an FA accepting the language. अगर किसी लैंग्वेज के जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट कर रही है देन देर एग्जिस्ट एन एफ़ ए, तो वहाँ पर एक एफ़ ए जो है वो लाजमी एक एफ़ ए होना चाहिए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज, जो कि उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता हो. एज द रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ ऑब्टेंड अप्लाइंग एडिशन कंकेटिनेशन एंड क्लियर
on the letters of an alphabet and the null string. So while building the regular expression, sometimes the corresponding FA may be built easily as shown in the following example. Next example देखें, consider the language defined over AB. एक लैंग्वेज हमने बनानी है जो कि ए बी पर मुश्तमिल होनी चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली बी, उसके ऊपर सिर्फ बी जो है वो होना चाहिए. देन दिस लैंग्वेज मे बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग एफ ए. यहाँ पर देखें जो है, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये हमारे पास फाइनल स्टेट है. इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए जस्ट हम बी रीड कर रहे हैं. तो ये वाली जो स्टेट है, जस्ट आपको जो है वो कह लें कि एक्स्ट्रा भी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इस स्टेट तक पहुंचते हैं या तो ए रीड करते हैं या बी रीड करते हैं, और फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं. यहाँ पर ये कह लें आप, हमारे पास डेड स्टेट है. अगर आप इस स्टेट पर चले गए तो फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच सकते. विच शोज दैट दिस एफ ए हेल्प्स इन बिल्डिंग एन एफ ए एक्सेप्टिंग ओनली वन लेटर. इसमें सिर्फ एक ही लेटर एग्जीक्यूट होगा, दैट इज़ बी. कंसिडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर ए बी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली नल. This language may be accepted by the following FA. अब चूँकि देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ही इनिशियल स्टेट है, यही एक ही हमारे पास फाइनल स्टेट है, उसके ऊपर भी कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ नल एग्जीक्यूट हो रहा है. अगर हम यहाँ से इस स्टेट की जानब जाते हैं या तो ए रीड करते हैं या फिर बी रीड करते हैं, लेकिन इस स्टेट से फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँच सकते. इस वजह से ये जो स्टेट हमारे पास है, ये है डेड स्टेट. As if R1 and R2 are regular expression, then their sum, concatenation and closure are also regular expression. So an FA can be built for any regular expression if the method can be developed for building the FAs corresponding to the sum, concatenation and closure of the regular expression along with their FAs. These three methods are explained in the following discussions. Method 1 हमारे पास है, method 2 है, method 3 है. ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कराऊंगी. थोड़ा लेंथी हो जाना है, तो यहाँ तक जितना भी हमने लेक्चर पढ़ा है इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा. अगर किसी पॉइंट के समय नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. दुआ में याद रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.